हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो हिपैटिक ट्रबल्स एंड हिमोरॉइड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्क्युलस हिपोकैस्टेनम। एस्क्युलस हिपोकैस्टेनम का कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर कुली ने। इसकी फैमिली नेम है सेपिंडेशिया। नेक्स्ट, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ वेरिटेबल पॉलीक्रेस्ट हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्शन, बट लाइक सम अदर पॉलीक्रेस्ट इट हैज़ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्शन फ्रॉम विच रेडिएट अ सीरीज ऑफ रिफ्लेक्स सिम्टम। दिस सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्शन इज द लीवर एंड पोर्टल सिस्टम एंड 9 out of every 10 ऑफ इट्स सिम्टम्स आर ड्यू टू इट्स एक्शन। इट इज़ वन ऑफ आर ग्रेट हिमोरॉइडल रेमेडी। नेक्स्ट, इसके क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें तो क्लिनिकली हम इसे बैकेक की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे कॉन्स्टिपेशन, कोराइजा, लीवर अफेक्शन एंड यूटेराइन अफेक्शंस के कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके स्पीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो इट अपीयर्स टू हैव अ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन द वेनस, स्पेशली पोर्टल सिस्टम, लीवर एंड लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोथ, रेक्टम ऑल्सो कम्स अंडर द डोमेन ऑफ दिस रेमेडी। नेक्स्ट, इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो इट प्रोड्यूस मेनी सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर लीवर, रिजल्टिंग एंगॉर्ज्ड हिमोरॉइडल वेन ड्यू टू कंजेशन ऑफ वेन, सेंस ऑफ फुलनेस, ड्राइनेस, हीट एंड पेन आर प्रोड्यूस। नेक्स्ट, इसके कंस्टिट्यूशंस की बात करें तो इट इज़ सुटेबल टू पर्सन हैविंग हिमोरॉइडल टेंडेंसी एंड हु सफर विथ गैस्ट्रिक, बिलियस और कैटरल ट्रबल। इट इज़ एन एंटीसोरिक मेडिसिन। इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो देर इज प्रेजेंट ऑफ सीवियर डल बैकिक इन लंबर सैक्रल आर्टिकुलेशन, मोर और लेस कॉन्स्टेंट अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप इज द ग्रेटेस्ट कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम। सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स सच एज हार्ट, लंग्स, स्टमक, एनस, ब्रेन, पेल्विस एक्सेट्रा। पाइल्स पर्पल, पेनफुल, बर्निंग, ब्लाइंड, रेयरली ब्लीडिंग। स्टूल फॉलोड बाय fullness of rectum and intense pain in anus for hour, frequent inclination to swallow with burning, pricking, stinging and dry constricted fauces. Next symptom is that there is presence of thin watery burning coryza with characteristic rawness and sensitiveness to cold air. Back that is give out during pregnancy, prolapse and leucorrhea. Next, iske mind complaints ki baat kare to patient are as a rule despondent, gloomy and irritable. They lose temper easily and gain control slowly and are also miserably cross. Next, the particular symptoms की बात करें तो nose के complaints में हम इसे use कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे throat के complaints में use कर सकते हैं, backache के complaints में use कर सकते हैं, rectal symptoms के complaints में हम इसे use कर सकते हैं। So this was all about Aesculus hypocastenum drug picture. Thank you for watching.